नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खूबसूरत वाइन के बारे में जो कि एक सकुलेंट प्लांट है। दोस्तों, आप ये जो खूबसूरत से प्लांट देख रहे हैं इसे टर्टल वाइन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे बॉलवियन जीव, चैन प्लांट या फिर क्रिपिंग इंच प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम कैलिसिया रिपेंस है। यह ट्रेडिस्केंटिया फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आप किसी ऐसे प्लांट के बारे में सर्च कर रहे थे जिसे हैंगिंग बास्केट में बहुत ईजिली ग्रो किया सके, तो दोस्तों यह हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लांट है क्योंकि यह पहली बात तो बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी देखभाल करना भी काफ़ी आसान है और यह काफ़ी लाइट वेट भी होता है। इसकी हाइट चाहे जितनी बढ़ जाए बट यह काफ़ी लाइट वेट होता है तो हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने एक छोटे से पॉट में लगाया है, करीब 7 इंच का पॉट है और कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें इसे लगाया था बट इस समय आप देख रहे हैं कि पूरा पॉट कवर हो गया है और कुछ दिनों बाद जब यह पॉट से नीचे लटकने लगता है तो यह बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था तो करीब मुट्ठी भर पौधे मिले थे मुझे, जिसमें से कुछ पौधे मुझ तक पहुँचते पहुँचते ऐसे ही ख़राब हो गए थे ट्रेवल में। बट अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितने सारे प्लांट हो गए हैं और सिर्फ कुछ प्लांट एक पॉट में मैंने लगा दिया था बट इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा पॉट इसे कवर हो गया है। टर्टल वाइन के छोटे छोटे ग्रीन फ्लैसिली बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जो कि नीचे के साइड से पर्पल कलर के होते हैं और आप देखेंगे कि समय समय पर इसके लीफ का कलर चेंज होता रहता है मौसम, टेम्परेचर और वाटरिंग के हिसाब से। कभी इसके लीफ का कलर और ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाता है और कभी कभी जब आप इसे फुल सनलाइट में रखते हैं और वाटरिंग थोड़ी सी कम करते हैं तो इनके लीफ का कलर और ज़्यादा डार्क पर्पल हो जाता है और कभी कभी इसके लीफ का कलर पिंकिश, कुछ पिंक कलर का हो जाता है। तो समय समय पर इसके लीफ का कलर चेंज होता रहता है जो कि बड़ा ही प्यारा लगता है देखने में। टर्टल वाइन के मेच्योर प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, यह करीब 4 से 5 इंच के बीच रहती है बट यह करीब 4 फुट से अधिक फैल सकता है, इसीलिए हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब पूरे बास्केट को कवर करके यह नीचे लटकते हैं बास्केट से तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर हो सके तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं तब इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर के आती है। वैसे मैंने इसे पॉट में लगाया है, नीचे ही रखा है बट इसे मैं जल्द ही हैंग कर दूंगा। इसे ग्रो करने का सही समय स्प्रिंग सीजन है, वैसे आप इसे विंटर सीजन में भी लगा सकते हैं और इसे कटिंग से बड़े ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसकी पतली पतली ब्रांचेज में जॉइंट्स होते हैं जहाँ से अपनी रूटिंग शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि मदर प्लांट में जो ब्रांचेज मिट्टी को टच करती हैं तो उसमें ऑलरेडी देखेंगे आप तो रूटिंग शुरू हो जाती है। आप ऐसी किसी भी ब्रांच को लेकर के आप उसको एक नए पॉट में शिफ्ट करके एक नया प्लांट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कुछ कटिंग लगाए भी हैं इसके। ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी टर्टल वाइन के प्लांट आपको दिख रहे हैं सभी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। एक्चुअली जब यह प्लांट मुझे मिला था तो इसकी काफ़ी ब्रांचेज टूट गई थी जिसे मैंने इस बास्केट में लगा दिया था और अब आप देख सकते हैं कि सभी की सभी कटिंग बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो हो गई हैं। ये देखिए, ये सभी प्लांट कितने हेल्दी लग रहे हैं। अब बस मुझे इनको इसमें से निकाल करके एक अलग पॉट में शिफ्ट करना है। तो दोस्तों, आप भी इसे बड़े ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह एक सकुलेंट प्लांट है इसलिए इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाते समय आप यह बात ध्यान में रखें कि पॉटिंग मिक्स एकदम वेल ड्रेन हो, जिससे आप जब भी वाटरिंग करें तो वाटर बहुत देर तक आपके पॉट में रुकने न पाए, नहीं तो इसमें रूट रॉट की समस्या बहुत अधिक होती है। इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाते समय आप सॉइल सैंड और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिक्स करें और थोड़ा सा फंगीसाइड या फिर नीम के पाउडर उसमें भी आप ऐड कर लें, जिससे आपका जो प्लांट है वह किसी प्रकार के फंगल डिसीज से सुरक्षित रहे। इसके लिए आप सॉइलेस पॉटिंग मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा जो प्लांट आप ये देख रहे हैं इसे मैंने सॉइलेस मीडियम ही लगाया है और अगर आप जानना चाहते हैं कि सॉइलेस मीडिया किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से सॉइलेस पॉटिंग तैयार किया जाता है, तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप वहां से जाकर के उस वीडियो को जरूर चेक करें एक बार। लाइट और लोकेशन की बात करें तो इसे आप सेमी शेड एरिया में रखें तो सबसे अच्छा रहेगा। वैसे आप इसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट समर सीजन में जो आफ्टरनून की तेज़ धूप होती है उससे आपको अपने प्लांट को बचाना चाहिए, इसलिए अगर आप इसे सेमी शेड एरिया में रखेंगे तो आपको बार बार अपने प्लांट को इधर से उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहें तो इसे इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं बट इंडोर इसे ग्रो करने के लिए आप किसी ऐसे लोकेशन को चूज करें जहां पर इसे पर्याप्त ब्राइट लाइट मिलती रहे, जिससे आपका जो प्लांट है वह हेल्दी रहे। इस प्लांट को बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसमें वाटरिंग करते समय इस बात को आप ध्यान में रखें कि यह एक सकुलेंट प्लांट है। एक बार वाटरिंग करने के बाद दोबारा आप तभी वाटरिंग करें जब पॉट के टॉप लेयर की मिट्टी सूख जाए। वैसे सेमी शेड एरिया में लगे हुए प्लांट में समर सीजन में हफ्ते में दो बार वाटरिंग करना पर्याप्त होता है
और विंटर सीजन में 15 दिन में एक बार भी वाटरिंग करेंगे तो ठीक है, या फिर वाटरिंग से पहले आप पॉट की मिट्टी को चेक कर लें। लेकिन दोस्तों अगर आपका प्लांट फुल सनलाइट में रखा हुआ है और समर सीजन चल रहा है तो हो सकता है कि आपको पर डे वाटरिंग करने की जरूरत पड़े, तो आप जब भी वाटरिंग करें तो उससे पहले एक बार आप पॉट की मिट्टी को चेक कर लें, तो आपका जो सुगलेंट का प्लांट है, चाहे यह प्लांट हो या कोई भी और सुगलेंट हो, तो वह कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि अक्सर हमारा जो सुगलेंट प्लांट है वह ओवर वाटरिंग की वजह से खराब होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो बर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट इस प्लांट के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट सॉइल के नेचर को एसिडिक बनाते हैं, जो कि टर्टल वाइन की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए महीने में एक बार थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट आप अपने प्लांट को जरूर दें। अपने टर्टल वाइन को बुशी लुक देने के लिए समय समय पर आप इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं, इसकी टिप को आप तोड़ दें तो इससे आपका जो टर्टल वाइन है और भी घना और भी खूबसूरत दिखेगा। और वैसे तो दोस्तों मैंने अभी तक अपने इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं देखी, बट स्प्रिंग सीजन या अर्ली समर में इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, तो आफ्टर फ्लावरिंग आप प्लांट में न्यू ग्रोथ के लिए इसको बेस से 8 इंच ऊपर से कट कर दें पूरे प्लांट को, इससे प्लांट में न्यू ग्रोथ शुरू होगी और एक बार फिर से आपका प्लांट फ्रेश और हेल्दी दिखेगा। और कट किए गए ब्रांच को आप कटिंग के तौर पर ग्रो कर लें, जिससे आपको और ढेर सारे प्लांट मिल जाएंगे। पेस्ट और डिसीजेज की बात करें तो इस प्लांट में मिलीबग, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स जैसे पेस्ट काटक कभी कभी देखने को मिलता है। इसके अलावा रूट रॉट की समस्या इस प्लांट में आम बात है, क्योंकि यह एक सक्सेसफुल प्लांट है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आज तक मेरे इस प्लांट में किसी भी तरह के पेस्ट काटक देखने को नहीं मिला। बस आप रेगुलर बेसिस पर अपने प्लांट को चेक करते रहें, और कोई भी ऐसा प्लांट जो इन पेस्ट से इन्फेक्टेड हो उन्हें आप इस प्लांट के पास ना रखें, और जैसे ही किसी पेस्ट का प्रभाव आपको अपने प्लांट पर दिखे तुरंत ही आप नीम ऑयल या फिर लिक्विड डिशवाश सोप को पानी में मिक्स करके अपने प्लांट पर स्प्रे कर दें। दोस्तों नीम ऑयल या फिर लिक्विड डिशवाश सोप ना हो तो आप सिर्फ पानी ही स्प्रे कर दें, जिससे जो कीट हैं वह साफ हो जाएंगे और आपका प्लांट जो है वह सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आप ओवर वाटरिंग से बचें, पॉटिंग मिक्स को लगातार वेट ना रखें, वाटरिंग के बीच में थोड़ा सा गैप दें जिससे आपकी जो पॉट की मिट्टी है थोड़ा सा सूख सके, तो कभी भी आपके प्लांट में रूट रॉट की समस्या नहीं होगी। अगर आप अपने टर्टल वाइन को सॉइल लेस मीडिया की जगह सॉइल वाले पॉटिंग मिक्स में ग्रो कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्लांट की जो ब्रांचेज सॉइल को टच कर रही हैं उसकी लीफ गलना शुरू हो जाए, तो ऐसे में आप अपने पॉटिंग मिक्स के टॉप लेयर पर मोटे दाने वाले सैंड की लगभग 1 इंच मोटी लेयर बना दें, इससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वह सैंड अपने अंदर रिटेन कर लेगा और आपके प्लांट की लोअर लीफ खराब नहीं होंगी। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी, फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस खूबसूरत से प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगर यह वाइन आपको नर्सरी पर ना मिले तो मैंने इसे जहाँ से मंगाया था उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप यह प्लांट ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।